नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे और हम लोग सब गांव आए हैं। कई दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सुनील के ऊपर एक वीडियो बनाओ, उसके आफ्टर ऑपरेशन वो कैसा उसका पैर है, वो काम कैसे कर रहा है, रिकवरी कैसी है उसके पैर की। तो आज संडे है, हम लोग गाँव आए थे, तो मैं सुनील का एक्सपीरियंस इस वीडियो में थोड़ा शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं और सुनील आए हैं खेत में ईख लेने के लिए। और मैं बाइक से आया हूँ, सुनील साइकिल से आता है डेली मेरे साथ खेत में। सुनील डेली इसलिए आता है क्योंकि उसकी काम में थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है। दोस्तों, मैं डेली रूटीन का जो काम है वो तो मैं सारा ही कर रहा हूँ, बट जो बैठ के काम होता है जैसे बरसी काटना और जमी काटना, ये मैं नहीं करता हूँ क्योंकि बैठ के थोड़ा पैर पे लोड पड़ता है इसलिए। और जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो अपनी बेल्ट बांध के, घुटने की जो डॉक्टर ने दी थी, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, वो मैं बांध के ही बाहर आता हूँ। और आना जाना मोटरसाइकिल पर नहीं, साइकिल पर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि डॉक्टर ने भी साइकिलिंग बताया था इसलिए। और पैदल भी चलता हूँ, लेकिन खेत में थोड़ा ये देख के चलना पड़ता है डोल पे, जैसे पैर ना फिसल जाए, डोल होती है जो, इसलिए थोड़ा रिक्स तो है, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से देख के ही चलता हूँ। वैसे लोड का काम मैं अभी नहीं करता हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये गन्ना ऐसे क्यों काट रहे हैं। हम अपने पशुओं को गन्ना ही खिलाते हैं सर्दी, क्योंकि गन्ने में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, भूसे से अच्छा विकल्प है ये। और इसमें कुछ जमी मिल जाती है, बहुत बढ़िया चारा बन जाता है, खा के पशु अच्छा भी महसूस करते हैं और दूध भी अच्छा देते हैं। अभी 10:30 बजे हैं और हम लोग आए हैं दूसरे खेत में अब जमी लेने के लिए। सुनील भी मेरे साथ ही है। जमी काटने का काम मेरा होता है, लेकिन बाकी सारा काम सुनील ही करता है। अभी सुनील के ऑपरेशन को 5 महीने पूरे हो चुके हैं और वो काफ़ी काम कर रहा है। अभी उसका पैर काफ़ी सही है और रिकवरी भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जो बैठने का काम है बस उसमें ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी खड़े हुए तो वो पूरा काम कर लेता है और मेरा हर काम में हाथ बटाता है। अभी बहुत मजा आ रहा है इसमें तो। आज पहली बार और किसी दिन पिकनिक भी मनाएंगे इस पे बैठ के, मजा आएगा। सब जानवरों से ऊपर होंगे, सब कीड़े मकोड़े सांप वो सब। और भाई कैसा लगा ट्री हाउस? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज के बाद तो मैं इसी में ही बैठूंगा, जब भी आऊंगा। मजा आता है एसी से, अगर एसी ना होता तो रोज यही लोग बैठते और आराम से ठंडक का मजा लेते। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे ही खेत है और ये किसी और का खेत है। और राघव पापा जी से जिद करने लगा कि मुझे भी ट्री हाउस पे बैठना है, मैं कभी नहीं बैठा ट्री हाउस पे। ये ट्री हाउस नहीं है, लेकिन ये ट्री हाउस जैसा ही बना रखा है और यहाँ पे बैठने में बहुत मजा आ रहा है।
कुछ ऐसे होते हैं जो इसकी तरह ही होते हैं, वो बहुत लंबे होते हैं। यहाँ पे कोई भी पार्टी कर सकता है, अगर किसी को यहाँ पे रेस्ट करनी है कोई बैठ के कर सकता है, पहले जिसका एक खेत है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने इसके जैसे बहुत सारे ट्री हाउस देखे हैं और मैंने उनमें जो डंडियाँ लगी होती हैं वो ऊपर तक होती हैं, इसलिए बहुत ऊपर तक होते हैं। अगर वहाँ तक कोई चढ़ भी जाता है ना तो उसे फल तो मिलना ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर बैठ गए ना ऊपर चलकर तो बहुत ही अच्छी हवा आएगी और धूप तो है ही नहीं, इसलिए छांव छाया हुआ है। ऊपर ये छोटी सी छत भी डाल रखी है जो कि पहले गांव में होती थी, और अगर हम ऊपर ये ट्री हाउस होता तो बहुत सारे एनिमल्स से भी बचे रहते। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं ना वो कभी भी चुभ सकती हैं, इसलिए लेट जाता हूँ थोड़ी देर, वैसे भी नींद आ रही है। फ्रेंड्स आज संडे है तो आज हम संडे का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मैं तो जिस दिन भी संडे होगा, जिस दिन भी गांव आऊँगा यही बैठूंगा। देखिए फ्रेंड्स हवा कितनी तेज चल रही है और यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि चारों तरफ से खुला है ना, आसानी से हवा आ रही है जा रही है। अगर हम अपने खेत में बनाते ना तो हम तो रोज इस वाले खेत में आते और बैठते, आराम से आराम करते, जब पापा का काम खत्म हो जाता फिर आराम करते पापा में, फिर चाचू भी यहाँ पे आराम करते रोज आके, चाचू भी यहाँ बैठ जाएंगे, मजा आएगा। और खाने का कुछ सामान लेके आ जाऊंगा मैं यहाँ पे और फिर होगी पार्टी। लेकिन बस आधी होगी को नहीं ला सकते, उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे ट्री हाउस पार्टी। दोस्तों आज ये ट्री हाउस पे बैठ के ना इतने मस्त हो रहे हैं कि बस बहुत मजा आ रहा है, पूरे खुश हो रहे हैं ये ट्री हाउस पे बैठ के। आज ये ट्री हाउस तो नहीं है लेकिन छोटा सा बना रखा है खेत में, गांव आने के रास्ते में ना वो इतना लंबा। सबसे ज्यादा खुशी तो राघव को हो रही है, ये ज्यादा राघव को बहुत खुशी हो रही है। मैं खेत में से आ चुका हूँ साइकिल पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4-5 किलोमीटर डेली मैं साइकिल चलाता हूँ, 1 किलोमीटर के करीब तो हमारा खेत ही है जो मैं आना जाना 2 किलोमीटर के करीब हो जाता है, और फिर शाम को मैं साइकिल चलाऊँगा। 4-5 किलोमीटर का डेली रूटीन हो जाता है मेरा, और फिर उसमें कुछ पैदल भी चलना होता है, पैदल थोड़ा वॉकिंग कर लेता हूँ ऐसे ही थोड़ा ही किलोमीटर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।